नमस्कार मित्रों, मैं प्रीतम लखवाल हाजिर हूँ अपने स्मरण कार्यक्रम में। सहज हास्य और आम आदमी के किरदार को पूरी शिद्दत से निभाने वाले कलाकार को कई फिल्मों में हमने देखा है। उस कलाकार का नाम अमोल पालेकर। प्रख्यात अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर का आज जन्मदिन है। आज हम उनके जन्मदिन के अवसर पर उनसे जुड़ी जानकारी के बारे में बात करेंगे, उनके फिल्मी सफर पर भी नज़र डालेंगे। अमोल पालेकर का जन्म 24 नवंबर 1944 को हुआ। हिंदी फिल्मों के वे प्रसिद्ध अभिनेता हैं। अपने अभिनय से सभी का दिल जीतने के बाद आजकल वे एक निर्देशक के रूप में सक्रिय हैं। एक्टर बनने से पहले अमोल पालेकर थिएटर में बतौर निर्देशक के रूप में पहचान बना चुके थे। नामचीन निर्देशक सत्यदेव दुबे के साथ उन्होंने मराठी थिएटर में कई प्रयोग किए। बाद में 1972 में उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप अनिकेत शुरू किया। बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य उनके नाटक देखने आया करते थे। थिएटर में करियर के लिए संघर्ष करने के साथ ही अमोल एक बैंक में क्लर्क का काम भी कर रहे थे। 1971 में सत्यदेव दुबे की मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे से अमोल अभिनय के क्षेत्र में आए। यह मराठी सिनेमा की उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है। हिंदी फिल्मों में पहला कदम उन्होंने सन 1974 में बासु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा से रखा। फिल्म सफल हुई और फिर उनके सफर की शुरुआत हो गई। उन्होंने अभिनेता के रूप में चितचोर, घरौंदा, मेरी बीवी की शादी, बातों बातों में, गोलमाल, नरम गरम, श्रीमान श्रीमती जैसी कई यादगार फिल्में दी। वे ज़्यादातर फिल्मों में मध्यम वर्गीय समाज के नायक का प्रतिनिधित्व करते थे। अमोल पालेकर की हास्य फिल्मों को दर्शक आज भी याद करते हैं। अमोल बताते हैं कि अपने कैरियर में फिल्म इंडस्ट्री के श्रेष्ठ निर्देशक और श्रेष्ठ तकनीशियनों के साथ काम कर सकें, इस बात की उन्हें बहुत खुशी है। सन 1981 में मराठी फिल्म से अमोल ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा। अब तक वे 10 हिंदी मराठी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उनकी हिंदी फिल्म पहेली को आस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अमोल पालेकर की मित्र थिएटर में दिलचस्पी रखती थी। जब वो थिएटर में रिहर्सल के लिए जाती तो अमोल वहाँ उनका इंतज़ार किया करते थे। इसी सिलसिले में एक दिन थिएटर में सत्यदेव दुबे की नज़र उन पर पड़ी। दुबे ने उन्हें मराठी नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे में ब्रेक दिया। इस नाटक को काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला। इसके बाद सत्यदेव दुबे ने अगले नाटक के लिए अमोल को कड़ी ट्रेनिंग दी। उनका नाटकों में एक्टिंग का सिलसिला इस तरह आगे बढ़ा। अमोल पालेकर आजकल की तड़क भड़क से शुरू से दूर रहते हैं। वह ऑटोग्राफ देने से भी मना कर दिया करते थे। उनकी छोटी बेटी इसके लिए उन्हें डांटती भी थी। अब हम अमोल पालेकर के फिल्मी कैरियर के बारे में बात करते हैं। 1974 में उन्हें बसु चटर्जी की रजनीगंधा में काम करने का मौका मिला और इसके बाद तो उन्हें जैसे आम आदमी का आइकॉन मान लिया गया। उन्होंने अधिकतर फिल्मों में हास्य किरदार किए जो आम आदमी की मनोदशा को दर्शाते थे। फिल्म गोलमाल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सिर्फ अभिनय ही नहीं, अमोल पालेकर ने बतौर निर्देशक भी कई फिल्में बनाई। उन्होंने धारावाहिकों का भी निर्देशन किया जिसमें कच्ची धूप, नकाब और पहेली जैसे कई धारावाहिक हैं जिन्हें देश भर में खूब प्रशंसा मिली। यूं तो उन्हें अधिक मीडिया हाइप नहीं मिली, लेकिन उनकी फिल्मों की सफलता ही उनकी कहानी कहती है। उनके अभिनय की खास विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने आप को पर्दे पर हमेशा साधारण नायक के रूप में पेश किया। यही वजह रही कि आम आदमी खुद को उनसे जुड़ा पाता था। पहली हिंदी फिल्म रजनीगंधा की सफलता ने अमोल को कई कम बजट वाली कॉमेडी फिल्में दिलाई। बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी की चितचोर, छोटी सी बात और गोलमाल 70 के दशक की सफल कॉमेडी फिल्में रहीं। अमोल पालेकर सशक्त और हल्के गुदगुदाते सभी भूमिकाओं में फिट रहते हैं। इसके कारण जल्दी ही सिनेमा जगत में जाना माना नाम बन गए। भीमसेन की घरौंदा, श्याम बेनेगल की भूमिका और कुमार साहनी की तरंग अमोल के अभिनय कला छवि को दर्शाती है।
अमोल की पहली फिल्म निर्देशित मराठी भाषा की आक्रायत थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया। उनकी पहली निर्देशित फिल्म अनकही थी। इसके बाद थोड़ा सा रुमानी हो जाए, दायरा और पहली सरी की उत्कृष्ट फिल्मों का सफल निर्देशन किया। छोटे पर्दे के लिए कच्ची धूप और नकाब जैसे धारावाहिकों का निर्देशन भी किया। बेहतरीन अभिनय और निर्देशन के लिए अमोल पालेकर को कई पुरस्कार और सम्मान मिले। इनमें फिल्म दायरा के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और इनमें फिल्म दायरा के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पारिवारिक उत्थान के क्षेत्र में निर्देशित फिल्म कल का आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। गोलवाल में अपने रोल के लिए अमोल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला।